टीम्स तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाइयों मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा प्रीमियर लीग फुटबॉल का WBA वर्सेस BUR के बीच 2 घंटे 13 मिनट बाद। बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ABROCKS ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों आपकी आंखों के सामने है विनिंग और बहुत ही ज़बरदस्त विनिंग, तो आके खुद देख लेना। चल चलते हैं आगे भाइयों। जैसे कि अब आपको पता है कि प्रीमियर लीग मतलब टॉप की लीग में से एक है, जैसे कि WBA एक WBA वर्सेस भाइयों जो मैच होने वाला है ना BUR के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मैच है। और चलते हैं आगे, तो बात करूँ इनमें से कौन सी टीम स्ट्रांग रहने वाली है। तो एक तो सबसे मेन आज मैं शुरू करूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड से, आज मैं गोलकीपर से शुरू नहीं करूँगा, आज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको समझाऊँगा तब स्टार्ट करते हैं भाइयों। चलिए शुरू करते हैं आगे से। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो मैथ्यूस परेरा का एक्चुअली में क्या है, ये प्लेयर WBE की तरफ से सबसे टॉप का प्लेयर है, मीन्स 90% चांस गोल के मुझे इसी से होते हैं और किसी प्लेयर से नहीं होते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और वहीं से बात करूँ सी रॉबिन्सन एंड इन दोनों को एक एटलीस्ट भाइयों 90% बहुत एक्सपीरियंस है अपनी टीम की तरफ से कि कैसे खेलना है कैसे गोल करना है, वो मतलब आपको समझ जो एक फुटबॉल में एक प्लेयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए ना वो इनको बखूबी है, तो इस कारण मैं इन दोनों को प्लेयर नहीं ड्रॉप कर सकता। आगे से बात करूँ सी वुड की, तो मैंने BUR का सी वुड इसलिए चुना है, कभी भी भाई किसी प्लेयर को मतलब ये मत सोचो कि नहीं चलेगा, दो बार से नहीं चल रहा, ऐसा है वैसा है, कभी भी प्लेयर को मतलब भले ही आप खुद भी टीम बनाते हो ना अपने आप को भी ये मत बोलो कि भाई हर बार हार रहा हूँ इस बार भी हारूंगा, क्योंकि नेगेटिव सोचो कि भाई फिर सच्ची नहीं होगा। तो सी वुड पे आज मैं थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस आज का मैच क्रिस वुड की अगर BUR जीतती है तो मेरे हिसाब से कम एक गोल इसका होगा। बात करूँ मिडफील्डर की तो ए वेस्टवुड, काफ़ी जनता आज इसको वाइस कैप्टन रख रही है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको भरोसा ही WBA पे है तो आप ए वेस्टवुड को वाइस कैप्टन क्यों रख रहे हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे गलत बात। और आगे बात करूं जैसे कि आपको पता है एक और प्लेयर यहां से आपको मिल रहा है ग्रैडी, तो आप ग्रैडी को चाहो तो भाई एक बार ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि आज इनका दिन रहने वाला है मेरे हिसाब से तो। और आगे से बात करूं डी मैकनिल पे भी मुझे आज बहुत ज्यादा भरोसा है, दिनों से नहीं चला, आई थिंक आज कुछ खास करेगा। तो चलते हैं आगे भाइयों, आगे से बात करूं जे लिवरमोर पे, तो जेवल मतलब ये ठीक ठाक प्लेयर है, खास तो नहीं है। तो चलते हैं आगे, बात करूँ डिफेंडर की तो जे ड्यून एक मतलब आज चलेगा तो नहीं, मैं आपको इतना साफ साफ बता दूं 17-16 पॉइंट मारेगा अगर इनकी टीम गोल नहीं करती, अगर बाई चांस BUR का गोल होता है तो ये बंदा आपको 40-50 पॉइंट मारता हुआ दिखेगा। और आगे से बात करूँ डी ओशा पर मुझे आज थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि WBA काफ़ी बड़े बड़े टीम से मैच हार रही है, तो यार ये हल्की टीम में तो नहीं आती BUR भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों बराबर के ही हैं, मतलब किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये तगड़ी है। आगे से बात करूँ के ब्रैटले की, तो के बैटले जो कि आज के मैच में चल सकता है, थोड़ी उम्मीद है मुझे इससे भी। एंड आगे से बात करूँ गोलकीपर की तो एन पॉप मैंने यहाँ से आज ट्राई किया, अब आप हैरान हो रहे होंगे भाई जब आपको अच्छा भला ऊपर से एस जॉनस्टोन मिल रहा है तो आप इसको क्यों नहीं ले रहे। अब मैं आपको गोलकीपर का समझाता हूँ, कभी भी ना गोलकीपर ऐसा प्लेयर होता है गोल कीपिंग में आपको मतलब ये आपको लग रहा होगा जब WBA स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका गोलकीपर क्यों नहीं ले रहे, आपको लेना है आप जाओ, लेकिन एन पॉप आज पूरी दिखाएगा, क्योंकि मुझे पता है जहाँ WBO का एक गोल हुआ वहीं पे भाइयों गोलकीपर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा और हद से हद गोल रोकने की कोशिश करेगा, जो कि आज आपको एन पॉप आराम से 30-40 पॉइंट आपको देता हुआ दिख जाएगा। तो चलते हैं आगे, बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन रहने वाला है एम परेरा एंड वाइस कैप्टन सी रॉबिन्सन, तो यही मेरी टीम है, सेफ वाइस कैप्टन है ए वेस्टवुड और सेफ गोलकीपर जो मैं आपको बता रहा हूँ जॉनस्टोन। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय।